नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ। दोस्तों, बहुत सारे टाइम से लोग डिमांड कर रहे थे कि सर R6 के ऊपर, मेनू सेटिंग के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम लोग मिले हैं कैनन का R6, जिसके ऊपर हम लोग वीडियोस बना रहे और सारी चीजें देखते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर वन, कैमरा मेनू जो हम लोग देखते हैं कैनन के अंदर, तो आप देख सकते हो ये हॉरिजॉन्टली सेटअप है, मतलब आपको लेफ्ट टू राइट जाना होता है हर चीज के लिए। जैसे पहला रेड सेगमेंट है जिसमें कैमरे के रिगार्डिंग सेटिंग्स है, दूसरा है AF मतलब के पिंक कलर में आपको दिखेगा जिसमें ऑटो फोकस के रिलेटेड सारे सेटिंग्स है, उसके बाद तीसरा आएगा ब्लू कलर जिसमें प्ले का सिंबल है मतलब के प्ले के रिलेटेड सारे सेटिंग्स है, उसके बाद आएगा हमारा वाईफाई के रिलेटेड मतलब के कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर उसके रिलेटेड, इस तरह से सारे जो है सेटिंग दिए गए हैं। उससे आगे पाना पकड़ का सिंबल जो है जिसमें अदर सेटिंग्स जैसे मेमोरी कार्ड का हो गया, फाइल फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट करना, इस तरह से जो सेटिंग्स है वो सारे यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैमरे के इंटरनल फीचर्स जैसे एक्सपोजर इंक्रीमेंट लेवल हो गया या ब्रैकेटिंग हो गया, स्पीड कंट्रोल्स हो गया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कुल मिला के लास्ट में ग्रीन वाला जो आपने चेंज किया है वो आपको माय मेनू सेटअप दिखाई देगा। सबसे पहला इमेज क्वालिटी। दोस्तों, जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर्स है, खास करके वेडिंग फोटोग्राफर है, लैंडस्केप फोटोग्राफर है, एडवर्टाइज फोटोग्राफर्स है, उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगा रॉ प्लस JPEG। आप देख सकते हो यहाँ पर L मतलब के लार्ज साइज है। अगर मैं आगे वाला बटन इसको घुमाता हूं तो ये रॉ पे जाएगा, मतलब रॉ प्लस JPEG इस तरह से शॉट बना रहा है। अगर इसको मैं वापस करता हूं मतलब पीछे का जो डायल चेंज करता हूं तो ये अब सिर्फ रॉ शूट करेगा। यहां लिखा हुआ आ रहा है रॉ 20M मतलब के 20 मेगापिक्सल और उसका रिजोल्यूशन। इसको मैं यहां पर फिर से ले लेता हूं तो बाय डिफॉल्ट JPEG पे आ जाएगा। तो आप इस तरह से रॉ प्लस JPEG शूट कर सकते हो। दोस्तों, मेरे कई सारे वेडिंग्स के फोटोग्राफर्स हैं, वो अगर चैलेंजिंग लाइट सिचुएशन में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल के संगीत संध्या हो गई, महिला संगीत हो गया, DJ हो गया, जहां पर उनको मल्टीपल लाइट्स वेरिएशन ऑफ कलर के लाइट से काम करना है, उस समय उनको रॉ प्लस JPEG शूट करना चाहिए ताकि बाद में लोग अच्छे से करेक्शन कर पाए और प्रॉपरली व्हाइट बैलेंस से खेल पाए। सेम वे आप लोग जब प्री वेडिंग शूट करना है तो डे लाइट होता है, काफी सारा ओवर लाइट होता है, अगेंस्ट लाइट होता है, इन सब सिचुएशंस में शेडो से खेलना होता है, तब आप रॉ प्लस JPEG से काम करोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो जेन्युइनली अच्छी फोटोग्राफी करना चाहता है, उस पोस्ट प्रोसेस में ध्यान देना चाहता है, वो रॉ में शूट करे। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों को रॉ को ऑपरेट करने में, ऑन करने में, उसको यूज करने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर कुछ वीडियोस रॉ को कैसे यूज करना है उसके बारे में बताइए, तो मैं उसकी भी वीडियोस आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले रॉ प्लस JPEG। कभी कभी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि जैसे समझ लो आप डिनर एरिया के कुछ फोटोज क्लिक कर रहे हो या कोई ग्रुपिंग ज्यादा शूट कर रहे हो या जिस फोटोज को आपको एनलार्ज नहीं करना है, बड़ी साइज में नहीं लेके जाना है, तो वहां पर आप इसको हल्की सी छोटी सी साइज मतलब के लोअर लो और मीडियम साइज भी कर सकते हो, जिससे कि आपके जो कार्ड के अंदर मेमोरी जो है कैपेसिटी वो थोड़ी सी बचेगी और आप ज्यादा शॉट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको जरूरत है तो लार्ज साइज ही रखिए जिसको एनलार्ज करना है, ठीक है। और रॉ प्लस JPEG बहुत बढ़िया है। सेम वे छोटा कैमरा सी रॉ मतलब के कैनन रॉ, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये मेन चीज है आपके फाइल फॉर्मेट जो मेनली फोटोग्राफी के लिए यूजफुल है और इसके मामले में ये बात हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन जिसमें कैमरे का सिंबल है और लिखा गया है क्रॉपिंग और स्लैश एस्पेक्ट रेशियो, तो उसके अंदर हम जब जाते हैं तो हमें कुछ चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि पहला लिखा है फुल मतलब के फुल सेंसर को जब हम लेंस लगाते हैं RF या EF तो फुल सेंसर का जो रेजोल्यूशन उसको कैप्चर करेगा, लेकिन फॉर एग्जांपल के 1.6 यानी कि क्रॉप, मेरे पास फॉर एग्जांपल के 200mm का लेंस है और मैं चाहता हूं कि मुझे 300mm के फोकल लेंथ मिले, तो मैं 1.6x से शूट कर सकता हूं। हालांकि मैं पूरा सेंसर यूज नहीं कर पाऊंगा मतलब कि मैं क्रॉप सेंसर यूज कर रहा हूं, बट मुझे 1.6 का रेशियो उतना जूम मुझे मिल जाएगा, तो ये मेरे लिए बेनिफिट है। तो अगर मुझे कभी ऐसी सिचुएशन आ गई जैसे कि मैं कभी कैंडिडेट शूट करता हूँ या बहुत डिस्टेंस से मुझे कोई प्री वेडिंग का शॉट बनाना है या कभी बर्ड वॉचिंग करना है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना है, तो 1.6 का रेशियो मुझे बहुत बेनिफिट देगा। उसके बाद आता है 1:1 मतलब कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको स्क्वायर फोटोग्राफी करनी पड़े। समझ लो कोई कैलेंडर शूट कर रहे हो, कोई कॉफी टेबल शूट बुक शूट कर रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आप इंस्टाग्राम के लिए जो उसका टाइमलाइन पे लगाने के लिए फोटो शूट कर रहे हो जो स्क्वायर में होता है, तो वहां पर अगर आप 1:1 का रेशियो करते हो तो आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी बनती है और इससे आपको कंपोज करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद आता है 4:3
और उसके बाद आता है 16Gem9। अब 16Gem9 आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा है, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। अगर आप डेडिकेटेडली टीवी के लिए फोटोग्राफी कर रहे हो, मतलब कि टीवी के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्ले करना है, तो 16Gem9 जो रेशियो है वो फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है। समझ लो आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाने के लिए शॉर्ट बना रहे हो, या फिर समझ लो आपको आप हिमालय गए हो और आप नेचर की फोटोग्राफी कर रहे हो और आप चाहते हो कि मेरे सारे फोटोज वॉलपेपर में मतलब कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर लगने वाले, तो जब आप 16Gem9 पर शूट करते हो तो एग्जैक्टली वो बैठ जाते हैं। नो डाउट आप फुल में जाके उसको क्रॉप भी कर सकते हो, बट सीधा सीधा अगर आप प्ले करना चाहो तो ये आसान हो जाता है। इससे फायदा ये होता है कि जब आप 16Gem9 पर शूट करके जब यहाँ पर प्ले करोगे तो दो साइड दो ब्लैक कलर की जो बॉर्डर है वो नहीं आएगी और सीधा आपकी पूरी स्क्रीन जो है वो भरी हुई दिखेगी। दिस इज द फंडा। तो मेनली ये आपके सेंसर को कितना क्रॉप करना है, किस तरह से आपका कंपोजिशन मेंटेन करना है, उसके मामले में था। आगे बढ़ते हैं नंबर टू, रेड में नंबर टू। पहला है एक्सपोजर कंपनसेशन। यहां पर मतलब कि आप जो फोटो क्लिक कर रहे हो या वीडियो क्लिक कर रहे हो उसमें आपको कितना एक्सपोजर कंपनसेशन चाहिए, माइनस चाहिए प्लस चाहिए जो भी आप चाहते हो। उसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो AEB लिखा है, मतलब कि ऑटो एक्सपोज ब्रैकेटिंग। अब जैसे ही मैं आगे वाला डायल चेंज करता हूं तो देखिए ब्रैकेटिंग चेंज होना शुरू हो गया, मतलब के मैं इसको आगे या पीछे मतलब कि कितने स्टेप्स मुझे ब्रैकेटिंग लेने हैं शॉट्स वो यहां से मैं डिसाइड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के ये यहां पर है 1 स्टॉप का एक्सपोजर वैल्यू, ये 2 स्टॉप, इसका मतलब होता है कि 2 स्टॉप अंडर, 2 स्टॉप इक्वल और 2 स्टॉप ओवर, तो ये 3 शॉट्स बनाएगा ब्रैकेटिंग में, जो मेनली काम में आता है आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी में, जो मेनली काम में आता है लैंडस्केपिंग फोटोग्राफी में, कभी कभी प्रोडक्ट फोटोग्राफी में भी ये शॉट्स काम में आ जाते हैं, तो इसको इस तरह से आप यूज कर सकते हो। उसके बाद है ISO सेटिंग। अब ISO हम लोग बहुत हर टाइम हर समय ISO को यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर ऊपर शॉर्टकट भी है और अंदर भी है, तो ये क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला है ISO स्पीड, मतलब कि अभी ISO फिलहाल कितना है, तो फॉर एग्जाम्पल 200 है, 400 है, लो है या ऑटो है, तो वो यहां से आप डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के मैंने 400 का ISO सेट कर दिया, उसकी स्पीड की रेंज तो लो से लेके हाई तक। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमारे जो असिस्टेंट है उसको कैमरा दे देते तो वो कैसे भी करके कुछ भी ISO रख सकता है, तो उसकी हम लोग लिमिट यहाँ से बांध सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ISO कुछ भी हो जाए लेकिन 3200 से ऊपर ना जाए या 6400 से ऊपर ना जाए, तो मैं उसकी लिमिट यहाँ से लॉक कर सकता हूँ, यानी कि ब्लॉक कर सकता हूँ और इसको मुझे ओके करना है। सेम वे लो लेवल पे भी कर सकते हो। उसके बाद आता है ऑटो ISO। दोस्तों आपने समझ लो फॉर एग्जाम्पल के कैमरे को मैं आपको उसको क्यू यानी कि क्विक मेनू पे लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल के मैं इसको पहले तो अपना क्यूब सेटअप ISO आप देख सकते हो यहाँ पर 400 है, ठीक है, और मैंने इसको 400 ISO को मैंने शिफ्ट करके ऑटो पे ले लिया। ध्यान से देखना दोस्तों, अगर मैंने इसको ऑटो पे ले लिया, अब ऑटो पे तो ले लिया लेकिन वो ISO समझ लो मैं कभी कैंडिड शूट कर रहा हूँ और वो अपने आप 6400 8000 10000 12000 तक जा सकता है, अगर मुझे उसकी लिमिट बांधनी है, मतलब कि ऑटो ISO में भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरे कंट्रोल में रहे, तो मैं यहां से उसको सेट कर सकता हूँ, यानी कि यहां पर जाके मुझे ऑटो की रेंज जो है 100 से लेके फॉर एग्जाम्पल के मैं शायद ही कभी 1600 से ऊपर जाता हूँ या 3200 से ऊपर, तो मैक्सिमम लिमिट मैंने फॉर एग्जाम्पल के 3200 कर दी। तो अब मेरा जब कैमरा किसी भी मोड में होगा, चाहे वो एपर्चर प्रायोरिटी पे होगा, शटर स्पीड प्रायोरिटी पे होगा, मैनुअल पे होगा, या मैं किसी भी मोड में फोटोग्राफी करता हूँ, लेकिन ISO उसका जो है 3200 से ऊपर नहीं जाएगा, तो ये इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, तो आप इस तरह से इसको काम कर सकते हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब HDR PQ सेटिंग्स, ये ऑफ और ऑन दो तरीके से होता है, एनेबल और डिसेबल। अब ये क्या है, क्या फर्क पड़ता है, तो ये डिस्प्ले की सिस्टम्स है, मतलब कि अगर आपने HDR फोटोग्राफी शूट कर ली लेकिन आपका कैमरा जो है वो HDR प्लेबैक कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपका जो डिस्प्ले है उसको यहां से आप जो है सेटिंग कर सकते हो। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। ज्यादातर फोटोग्राफर को अगर HDR टीवी में अगर देखना है तो इसको ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद है ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर। इसमें 3 ऑप्शंस हमें दिए जाते हैं जिसको चेंज करने के लिए मुझे इन्फो बटन ऑन ऑफ करना पड़ेगा। पहला है लो, स्टैंडर्ड और हाई। ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर का काम होता है कि जब लाइट जो है ऑप्टिमाइज करना है तब ये यूज होता है। अब जैसे कि
जहां पर हाई कॉन्ट्रास्ट शेडो है, अगर उस कॉन्ट्रास्ट शेडो को कम करना है या कंट्रोल करना है तब हम लोग ऑटोलाइट ऑप्टिमाइजर यूज करते हैं। अब उसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं हाईलाइट में काम कर रहा हूँ, धूप में शूट कर रहा हूँ, समझ लो मैं प्री वेडिंग शूट करने गया जहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है या कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है, शेडो ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो शेडो का कॉन्ट्रास्ट काटेगा तो वो फ़ायदा है, तो मुझे मेरा फोटो जो है वो जो इमेज जो है मुझे बहुत अच्छे से इक्वल दिखती है। तो ऑटो लाइट ऑप्टिमाइजर ऑलवेज ऑन रखना चाहिए। उसके बाद आता है हाईलाइट टोन प्रायोरिटी। इसको जब हम लोग ऑन करते हैं तो डी प्लस लिखा हुआ आता है। अब इसमें दूसरा डी प्लस टू है, ये क्या करता है, जो हमारे व्हाइट पिक्सल्स है, जो हाईलाइट एरिया है हमारे इमेज के अंदर, जब आप कैप्चर करते हो तो उसके साइड या आसपास के पिक्सल्स को मर्ज करके वो जो बर्निंग वाले पिक्सल्स उसको थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं, जिसमें से हाईलाइट एरिया जो है वो थोड़ा सा फंडामेंटली कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसे आप इसको ऑन करते हो तो इसका जो मिनिमम आईएसओ है वो 200 होता है, 200 से नीचे आप आईएसओ को लेके नहीं जा सकते हो, तो ये इस तरह से काम करता है। चलिए उसके बाद आता है एंटी फ्लिकर शूट। अब ये जो है एंटी फ्लिकर शूट, जब आप अपने कैमरे को लाइव व्यू पे रखते हो और अगर आपका जो सब्जेक्ट है उसकी जो लाइटिंग सिचुएशन है वो फॉर एग्जाम्पल के फ्लोरोसेंट लाइट है या फिर आपके शटर स्पीड के साथ मैच नहीं करती, तो आपको प्रीव्यू में अपने स्क्रीन पर जो है फ्लिकर दिखाई देगा, तो इसको ऑन करने से उसको आप कट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आता है एक्सटर्नल स्पीड लाइट कंट्रोल, मतलब के फ्लैश के रिगार्डिंग सेटिंग्स। तो सबसे पहले फ्लैश फायरिंग ऑन रखना है और आगे बढ़ते हैं तो ETTL बैलेंस, मतलब कि अगर आपके पास कैनन का ओरिजिनल फ्लैश है और आप चाहते हो कि वो TTL मोड पे चले तो उसका जो है यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो ETTL तो है मतलब कि लाइट जितनी रिक्वायरमेंट होगी, फोकस जितना करेगा कैमरा उसके सेटिंग्स जैसे होंगे उस तरह से लाइट जो है वो यहाँ से फायर होगी या थ्रो होगी। लेकिन उसमें आपको दो ऑप्शन दिया जाता है, एम्बियंस प्रायोरिटी, मतलब कि अगर वहां पर एम्बियंस लाइट ज्यादा है और आप चाहते हो कि उसका प्रभाव जो है इमेज में ज्यादा रहे, फ्लैश का प्रभाव थोड़ा सा कम रहे, तो आप एम्बियंस को जो है प्रायोरिटी में ले सकते हो। स्टैंडर्ड मतलब कि हमारा एक्सपोजर ओके होना चाहिए, एम्बियंस लाइट कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा होता है फ्लैश प्रायोरिटी, के लिए 100% फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट कि फ्लैश अपने हिसाब से ही जो है फायर हो जाए और हमारा एक्सपोजर जो है वो 100% करेक्ट मिले। एम्बियंस लाइट क्या है, बैकग्राउंड डार्क जा रहा है, ब्राइट जा रहा है, डजंट मैटर, तो वो इस तरह से काम करता है, हम लोग उसको स्टैंडर्ड पे रखते हैं ताकि वो बैलेंस करके चलता है। उसके बाद आता है ETTL मीटर रीडिंग। अब ETTL जो है वो मीटर रीडिंग कैसे करेगा, तो उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से पहला जो है फेस प्रायोरिटी, मतलब कि आपके कैमरे ने जिसका फेस प्रायोरिटी में सिलेक्शन किया है, फोकस किया है या आई डिटेक्शन किया, उसी का डिस्टेंस नाप के, उसी के रिगार्डिंग, उसी के सेटअप के हिसाब से एपर्चर आया उसको सेट करके देख के वो फोटो क्लिक करेगा। इवेल्यूटिंग और एवरेज, मतलब आप जो यहाँ से मीटर रीडिंग चाहो वो सेट कर सकते हो। कंटिन फ्लैश कंट्रोल, अब एक बार करना है या बार बार करना, मतलब कि पहली बार जब आप ETTL पे जिसको मेजर करते हो उसके बाद बार बार करना है या एक ही सिचुएशन है, तो फिर आपको लाइट जो है आपकी स्पीड लाइट जो है वो मेजर बार बार नहीं करेगी, जिससे उसकी बैटरी और एनर्जी बचेगी। स्लो सिंक्रो, ओके। अब कभी कभी हम लोग जो फोटोग्राफी करते हैं तो दो तरीके के सिंक्रोनाइज स्पीड यूज करते हैं, एक होता है हाई स्पीड सिंक और दूसरा होता है स्लो स्पीड सिंक। तो आपकी जो फोटोशूट है उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिंक कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 250 से लेके 30 सेकंड वहां पर भी रख सकते हो, 250 से लेके 60 सेकंड। अब यहाँ पर रखने से फायदा ये होता है कि ये 30 सेकंड, मतलब कि 30 सेकंड तक शटर खुला रह सकता है, वहां पर जा सकता है खास करके एपर्चर प्रायोरिटी मोड में। अगर आपने 250 60 to 250 रखा है तो वो इसके बीच में ही रहेगा ताकि आपकी शटर स्पीड ज़्यादा स्लो ना हो जाए। और अगर आप चाहते हो तो फिक्स 250 की स्पीड पे शूट करें तो ये भी आप यहां से कर सकते हो। इसमें और दो ऑप्शन है, एक मैकेनिकल शटर और एक इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कटिंग शटर, तो दोनों में भी आप ये कर सकते हो। लेकिन एक चीज है, मैकेनिकल में आप 200 से ऊपर लेके नहीं जा सकते हो, नहीं तो नीचे काली पट्टी आ जाएगी, मतलब कि पूरा सिंक नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट कटिंग, जिसमें आप 250 तक आप जा सकते हो, मतलब कि 250 की शटर स्पीड तक आप जा सकते हो, तो वो यहां से आप सिंक्रोनाइज जो है सेट कर सकते हो। फ्लैश फंक्शंस, ये जब हम लोग कैनन का ओरिजिनल फ्लैश लगाएंगे तब ये काम करेगा, और उसके कस्टम फंक्शंस ये भी जब हम लोग इसको लगाएंगे तब ये काम करेगा।